अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। सुबह सुबह का टाइम है, हुमैरा को मैंने अभी नहीं जगाया, रात भी बहुत लेट हम सोए थे, उसकी तबीयत ख़राब थी। अल्लाह पाक दुआ करें उसको तंदरुस्ती अता करें। तो जो काम है मैं वो अपना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो जाले उतारूँगा और उसके बाद जब वो उठेगी, नाश्ता तैयार करेगी, तो फिर बाकी सफाइयों की तरफ जाना वो लग जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जाले उतारने वाला काम ये करते हैं। ये ब्रश जाले उतारने वाला ये मैंने निकाल लिया है, इसके मैंने जाले उतार लिए हैं। ये कुछ इस तरह के चीज़ों की तरफ तवज्जो ना ना दें तो फिर घर सारे का कोई हाल नहीं रहता। अब जब सारे घर को धोएंगे तो साथ इसको भी धो देंगे, क्योंकि यहाँ बैठ के कल गोश्त बनाना है इंशाल्लाह। तकरीबन 9-9:30 बजे का टाइम है और कोई नाश्ता नहीं बनाया था, कोई कुछ नहीं किया था। मैं बाहर ना जाले उतार रहा था ब्रश से और हुमैरा बस आमलेट पड़ी हुई थी, तो बाजी ने दरवाज़ा बजाया, बाजी आए, उसके बाद भाई असलम भी आ गए। अभी बाजी ने ना चाय बनाने लगी है। मैं कल तो मैं भी तबीयत बड़ी खराब सी, तबीयत सही हो गए दिहाड़ी च दो चक्कर अम्मा जी हरान लाई देने। राती भी बस एवं जेड़ा वो बसोध जी पई रही है। हाँ जी, तो भाई बाजी दवाइया भी खा के ना खा के कसम है, मैं देने वाला जो मैनू खौफ आता है तो जी खी ए अंदर की बनता हूँ इनी दवाई जरा औखा साहब है दवाई का खाधे बगैर गुजारा भी नहीं। स्क्रू ड्राइवर लिया है और इससे मैंने जो कल कुंडा लेके आया था ना यहाँ पे लगाना है, वो इधर वो कस लेता हूँ। ये क्लिप या कुंडा जो भी कह ले इसको, इसको मैंने पक्का करके लगा दिया है तो कल आसानी रहेगी। इधर बैठ के गोश्त बनाएंगे पर पंखा है और गर्मी शदीद तर। मेरा को दवाई दी है सबसे पहले और उसके बाद अभी ना मैं सफाई की तरफ। पहले तो ये ड्राइंग रूम है, इसको करूँगा ब्रूमिंग करूँगा पहले, उसके बाद मोपिंग करूँगा। पखे तो नहीं आखा, तुम चलो फ्री खा तुम चले जाने। उसमें लाइट के साथ ना कुछ पंखों का भी कनेक्शन है, ये वाला बटन और ये वाला बटन, इनके साथ एक एक लाइट भी चलती है और पंखा भी चलता है। लेकिन हमने ना इनको नहीं चलाना वरना सारा डस्ट जो है ये सारी फैला देंगे हवा। गर्मी तो है लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। पहले यहाँ की डस्टिंग करते हैं और सॉरी ब्रूमिंग करते हैं, उसके बाद मोपिंग करूँगा, फिर अंदर वाले पोर्शन की तरफ जाऊँगा। इस कमरे में मैंने ब्रूमिंग कर ली है और ये वाला सारा निकला है। डस्ट स्टॉपर भी लगा हुआ था लेकिन आंधियाँ इतनी आती हैं कि घुस जाती हैं अंदर। लाइटें इसकी करते हैं बंद, कमरे को करते हैं बंद। मोपिंग जो है वो सारा घर धोने के बाद करूँगा। अंदर से मैंने सारी ब्रूमिंग कर ली है, ये इतना कचरा निकला है। हम इतना ख्याल रखते हैं, ये इतना कचरा निकला है। ये सिगरेट मेरा नहीं, मैं ना सिगरेट पीता हूँ ना ना सवार पीता हूँ खाता हूँ। ये एक हमारे मेहमान आए हुए थे तो वो स्मोक करते हैं, अल्लाह का शुक्र मैं ना सिगरेट पीता हूँ ना नसवार रखता हूँ ना कोई ऐसी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करता हूँ। तो ये सारा कचरा निकला है, अब मैं बाहर वाला जितना भी ये सारा एरिया है ना इसको धो लेता हूँ। इसको धो के डस्ट स्टॉपर को जो है ना वो धूप में डालूँगा, ये जब सूख जाएगा तो फिर दरवाज़ों के नीचे दे लेंगे। सारा घर धोने के बाद अभी कर रहा हूँ
मॉपिंग ये वाला कमरा भी कर लिया है और मास्टर बेडरूम भी कर लिया है। इसकी जो कुशन है ये साफ़ सुथरे हैं, ये यही रहेंगे। ये वाला टेबल जो है ना इसको उठा लेना है, बड़ा टेबल जो है वो लेके आना है। पर्दे कर देता हूँ आगे। ठीक हो गया। और ये किल्ली इसका कुछ करना पड़ेगा, तेरा मैं बंदोबस्त कर लेंगे। ये टेबल उठा लेता हूँ, बड़ा टेबल इधर ला के रख दिया है। पंखे चलाए थे, बंद कर दिए हैं। इसके नीचे रखते हैं डस्ट स्टॉपर, वो मैंने धो के रखा हुआ था। हमारे घर की सफाई कर ली है, ब्रूमिंग मोपिंग डस्टिंग जो भी था सारा साफ सुथरा हो चुका है। तकरीबन 2:30 बजे मैं लगा था और अभी टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, 4:34 तकरीबन 2 घंटे मुझे लगे हैं लगातार। सारा घर माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो गया है, अल्लाह करे आंधी ना आए। सारा माशाल्लाह साफ सुथरा। सारा ये चारपाई थोड़ी सी सीधी करके रखता हूँ और ये एयर कूलर जो है इसको उधर साथ रखता हूँ चारपाइयों के, कोई भी बैठ ही जाता है। वैसे तो मोस्टली जो भी मेहमान आते हैं हम एसी वाले रूम में ही बिठाते हैं। ये भी साफ़ सुथरा टेबल छोटा इधर रख दिया, बड़ा टेबल मैंने ड्राइंग रूम में रख दिया। इसकी यहाँ पे ज़रूरत थी, वहाँ उसकी ज़रूरत थी। लाख 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 शुक्र है।